ऑफलाइन पेमेंट के चक्कर को छोड़ के घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं जीएसटी पे। मींस ये मैं नहीं कहना चाह रहा कि आप जीएसटीआर 1 या 3B की पेमेंट ऑनलाइन कर दीजिए। आप किसी टैक्स अथॉरिटी ने अगर आपसे डिमांड करी है पेमेंट की किसी नोटिस के अगेंस्ट में, या फिर आप वॉलंटरी बेस पे पेमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऑफलाइन किसी नोटिस का रिप्लाई देने से अच्छा आप ऑनलाइन उसे पेमेंट कैसे कर सकते हैं। इसमें मैं केवल नोटिस के पेमेंट के रिगार्डिंग बात करूंगा। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। मैं रंजन आपका दोस्त आज आपको एक नई वीडियो के साथ बताने वाला हूँ कि वॉलंटरी बेस पे आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं जीएसटी में। दोस्तों वॉलंटरी बेस को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस पेमेंट को करने का रीजन क्या है, मींस कॉज ऑफ पेमेंट क्या है। कॉज ऑफ पेमेंट आपका, अगर आपकी जीएसटी है वो ऑडिट के लिए लायबल है तो आपकी पेमेंट अराइज हो सकती है। सेकंड पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेशन का। अगर आपके जीएसटी में कोई ऐसी दिक्कत आ चुकी है, मतलब मींस आपके रिटर्न से कोई ऐसी रिलेटेड दिक्कत आ चुकी है कि अथॉरिटी ने आपको, जो आपका असेसिंग ऑफिसर है उसने आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके ऊपर एक नोटिस इशू किया हुआ है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में जितनी लायबिलिटी आपकी खड़ी की जाएगी उसकी आप पेमेंट कर सकते हैं वॉलंटरी बेस में। तीसरा, आपका मन कर रहा है, मींस आपके पास मे बी एक्सेस बैलेंस है, तो इस वजह से भी आप पेमेंट कर सकते हैं जीएसटी में वॉलंटरी बेस पे। ये तो थी कॉज की बात कि आप क्यों आप पेमेंट करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे और कब करनी चाहिए। दोस्तों जीएसटी पोर्टल ने कुछ दिन पहले ही अमेंडमेंट निकाली है कि वॉलंटरी बेस पे पेमेंट के लिए आपके पास एक ऑप्शन है जिसका फॉर्म का नेम है GST DRC-03। फॉर्म से आप पेमेंट कर सकते हैं अगर आपकी कोई लायबिलिटी पहले से अराइज है, मींस कि असेसिंग ऑफिसर जो आपका है उन्होंने एक सो कॉज नोटिस के जरिए आपको इशू किया है अमाउंट की, इतना अमाउंट आपके लिए लायबल है जो आपके जीएसटी के अगेंस्ट आपको पे करना है, तो वो अमाउंट आप GST DRC-03 इस फॉर्म के थ्रू आप पे कर सकते हैं। दोस्तों उस फॉर्म को आप कैसे चेक करेंगे या फिर लायबिलिटी कैसे चेक करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, पहले अपनी लॉगिन यूज़र आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन करना है जीएसटी में। उसके बाद आपको जाना है यूज़र सर्विसेज पे और उसमें माई सेव्ड एप्लीकेशन में, माई एप्लीकेशंस में आपको एक टैब यूज़ करना है जिसमें आएगा इंटीमेशन टू वॉलंटरी पेमेंट्स। मीन्स आप उस ऑर्डर जो आपको इंटीमेशन आया है नोटिस के जरिए कि आपको इतनी पेमेंट करनी है या इतनी, इस नोटिस के रेफरेंस में आपकी इतनी लायबिलिटी बनती है, तो वो आपको इंटीमेशन टू वॉलंटरी पेमेंट्स में दिख जाएगा। उस डेट्स के अकॉर्डिंग भी आप सर्च कर सकते हैं जैसा कि आपको नोटिस में डेट दी हो, ठीक है। उसके बाद आप उस फॉर्म के पेमेंट में मींस उस फॉर्म में सारी चीज़ें फिल करेंगे। कोई जो रिक्वायरमेंट है उस फॉर्म की, क्या क्या चीज़ें उसमें मांगी जाती है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि अगर आपको फिल करना नहीं आता है। वैसे बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, इजीली आप उसे फिल कर सकते हैं। फिल किया आपने और उस पेमेंट को आपने ऑनलाइन भी DRC-03 फॉर्म से सबमिट कर दिया। दोस्तों ये तो जरिया हो गया कि आपका कॉज क्या था, कि किस वजह से आपकी सो कॉज नोटिस आई थी और किस वजह के बाद से आपने पेमेंट कैसे कर दिया आपने DRC-03 के जरिए। ये आपको सबसे सुटेबल वे है कि आपको ऑफलाइन जाकर के हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं करवाना पड़ेगा या फिर आपको ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसलिए आप कोई भी सो कॉज नोटिस अगर आपके पास आता है, AO आपका अथॉरिटी मांगती है कि ये लायबिलिटी आपके ऊपर बन रही है जो कि आपको देनी है, तो आप ऑनलाइन उसको पेमेंट कर सकते हैं। एक और बात इसमें आती है कि आप अपने मर्जी से पेमेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका एस्टिमेशन ऐसा है कि लास्ट 1 से 2 ईयर्स में या और पहले से, जब से आपका बिजनेस चल रहा है तब से आपकी लायबिलिटी जो है वो एक मंथ की अगर मैं देखूं तो अराउंड एग्जांपल 10,000 की लायबिलिटी बनती है, तो आप सोचते हैं कि मेरी एस्टिमेशन जो है वो 10,000-20,000 इसके अप्रोक्सीमेट में रहती है, तो मैं आगे के मंथ्स के लिए पेमेंट कर सकता हूँ वॉलंटरी बेस पे। उसके लिए आपको सेम प्रोसीजर अपनाना होगा और आप फर्दर आगे आने वाले मंथ्स में पेमेंट उसकी कर सकते हैं वॉलंटरी बेस पे। दोस्तों अगर सो कॉज नोटिस का रिप्लाई आपको देना है तो उसके लिए कितने दिन आपको चाहिए होंगे। सबसे बड़ी बात है कि सो कॉज नोटिस जिस दिन इशू होता है उस दिन के आगे आने वाले 30 डेज में आपको पेमेंट करनी ही होती है, नहीं तो वो हर दिन का नेक्स्ट डे से पेनल्टी चार्ज होता है।
टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपका वो पेनल्टी चार्ज होता है, जैसे कि आपने मैंने आपको बताया 30 दिन आपके पास हैं, तो सो कॉज नोटिस अगर आपका सपोज 1 जनवरी को आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर मींस 30th ऑफ जनवरी से पहले पहले आपको पेमेंट करनी है, नहीं करते हैं तो 30 जनवरी के बाद से मींस 31st जनवरी से लगेगा, उस दिन के बाद से आगे जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उस दिन के बीच की पेनल्टी लगेगी, हो सकता है पेनल्टी के साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ जाए। तो वो दोस्तों वो बात अलग की है कि आप ऐसी चीज़ें अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा उससे बचें जिससे आपको बेवजह पेनल्टी गवर्नमेंट को ना पे करनी पड़े, ठीक है। आज तक की जो अभी मैं इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रहा हूँ डीआरसी पेमेंट मींस आपको वॉलंटरी बेस पे पेमेंट कैसे करनी है, इसमें एक टर्म और आता है कि डीआरसी मतलब मींस आपने पेमेंट तो कर दी है वॉलंटरी बेस पे, बट अब आप इसका स्टेटस कैसे जान सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पेमेंट से रिलेटेड है, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि इसमें और क्या क्या टर्म्स हैं जो आपको बातें ध्यान में रखने के लिए हैं। आज के लिए इतना ही, हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारा जो टैक्स फॉर वेल्थ चैनल है वो एंड्रॉयड टीवी पे, अमेजॉन फायर टीवी पे और प्ले स्टोर में ऐप के नाम से भी है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम, और जीएसटी की कई सारी अपडेट्स मेरी इसी सेम प्लेलिस्ट में है, पिछली प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरी ईवे बिल से रिलेटेड। हमेशा साथ रहें, अपडेट रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।